Hey, so what's up guys, welcome back to my detectives YouTube channel। तो guys, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ तीन ऐसी प्रो टिप्स जिससे आप अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर और व्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं। और हाँ guys, आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी मतलब क्लिकबेट टाइप का नहीं किया है। जी हाँ guys, मैं आपको तीन ऐसी कमाल की प्रो टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप सच में अपनी कोई ना कोई एक वीडियो 110% वायरल करा लेंगे। बस शर्त यह है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है, हर एक पॉइंट का अच्छे से समझना है, क्योंकि भाई देखो इसमें आपका ही फायदा होगा कि गाइस यहाँ पर आप लोग की एक नई वीडियो वायरल हो जाएगी। और गाइस अभी हो सकता है मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, बट आप अगर इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप खुद ही विश्वास करने लगोगे कि हाँ भाई ये बंदा एकदम सही बोल रहा है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि मैं आपको तीन ऐसी कमाल की प्रो टिप्स देने वाला हूँ। और यार हमेशा की तरह जो लास्ट वाली तीसरी ट्रिक है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक और कमाल होने वाली है, तो उसे बिल्कुल भी मिस आउट मत करना और देखते रहना वीडियो को एंड तक। अच्छे से हर चीज को समझ लेना, आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। और अगर जो भी आप वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टेक रिलेटेड कॉन्टेंट यूट्यूब रिलेटेड कॉन्टेंट मिलता रहता है। तो यार चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूँ कि यार यहाँ पर तीसरी की ट्रिक मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि जो तीसरी वाली प्रो टिप है प्लीज उसको जरूर से देख के जाना, क्योंकि बहुत ही तक कमाल की यूनिक होने वाली है, वो भी लाइव प्रूफ के साथ में। तो देखते रहना वीडियो को एंड तक। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरी इंस्टाग्राम आई डी है mdetectives_07, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, जल्दी जाकर फॉलो कर। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि यार हमारे चैनल में प्रमोशन भी चल रहा है। अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो प्रमोशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाओ उसको देखो और प्रमोशन के अंदर पार्टिसिपेट कर लो। टिप वन जो है वो वहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आपको वीडियो देखने का कोई भी फायदा नहीं बनता है। तो यार वीडियो को जरूर से एंड तक देख लीजिएगा। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सी वो प्रो टिप्स है, मैं आपको सारी चीजें अब बता देता हूँ। तो गाइस देखो, होता कुछ ऐसा है कि यार सबसे पहले जो प्रो टिप है वो है कि गाइस मेरे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई प्लीज मेरा चैनल चेक कर लो, मुझे कुछ गलतियां मेरे चैनल पर, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मुझे बता दो और मैं उन गलती को सुधार कि अपने चैनल को ग्रो कर लूंगा। तो मैं उनको चैनल चेक करता हूँ। सबसे कॉमन मिस्टेक जो मुझे मिली है वो आप लोग भी करते होगे, जो आप इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग भी बहुत ज्यादा गलती करते होगे कि आपका जो कीवर्ड्स है, जो आप कीवर्ड्स डालते हो वो बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं। क्योंकि गाइस इसमें देखो आप मतलब कुछ लोगों के जो आधे परसेंट ऑडियंस होगी उसमें तो पता है क्या दिक्कत होगी कि यार बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्हें आपके माइंड सेट ये बना दिया, आपके माइंड के अंदर ये चीज डाल दी है कि भाई आप लोग अपने मन से टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन तो अपने मन से कीवर्ड लिख सकते हो, बट गाइस देखो ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग अपने मन से कीवर्ड लिखोगे तो गाइस जरूरी नहीं है कि यार वो YouTube का एल्गोरिथम समझ पाएगा। तो आप इस चीज को समझो और गाइस अपने मन से कीवर्ड यूज करना बिल्कुल ही छोड़ दो। और गाइस अब बात आती है कि आप कीवर्ड फाइंड कैसे करोगे तगड़े वाले, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है और गाइस सारी वीडियोस को मैंने अपने प्लेलिस्ट के अंदर भी ऐड कर दिया है। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर से आकर चेकआउट भी कर लेना, और साथ ही अगर हो सकेगा तो कुछ वीडियोस के लिंक मैं आई कार्ड के अंदर भी दे दूंगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको फर्स्ट जो प्रो टिप है वो समझ में आ गई होगी कि कीवर्ड्स बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं आपकी वीडियो को आगे बढ़ाने में। तो गाइस अब बात कर लेते हैं सेकंड प्रो टिप की। तो गाइस सेकंड प्रो टिप भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है, एंड गाइस थर्ड प्रो टिप को जरूर से देखकर जाना, ठीक है। तो यार मैं आप लोग को बताता हूँ, तो सेकंड प्रो टिप है गाइस, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई पहले मेरी वीडियोज में 1000 इंप्रेशन आते थे, पहले मेरी वीडियोज में 300, 400, 500 अब इंप्रेशन आते हैं, और गाइस अब बहुत ज्यादा इंप्रेशन कम हो गए, 100, 200 इंप्रेशन भी नहीं जाते हैं। तो गाइस इसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब मैंने जो लोग मुझे कह रहे थे तो मैं उनको चैनल देखा, तो गाइस वो दिक्कत क्या कर रहे थे, गलती क्या कर रहे थे गाइस, वो कभी 3 दिन छोड़ के वीडियो डाल लें, कभी 2 दिन छोड़ के डाल लें, कभी रोज वीडियो डाल लें, कभी 1 हफ्ते वीडियो छोड़ के डाल लें। तो गाइस यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, आप में से बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर रहे होंगे। और हाँ, अगर एग्जांपल की बात लो तो मेरी भी एग्जांपल ले लो, अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो गाइस मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, ठीक है। अभी मेरे 2 एग्जाम्स और बचे हुए हैं, उसके बाद मैं अच्छा अच्छा कंटेंट डालना शुरू करूंगा न्यू ईयर के बाद से। तो गाइस अभी मेरा एग्जाम है इससे मैं कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो मेरे देख सकते हो व्यूज 700, 1000 से सीधा गिर के 300, 400, 500 तक पहुँच चुके हैं। तो गाइस आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है, हाथ जोड़ता है ये गलती बिल्कुल भी कभी भी मत करना। सेकंड चीज होती है ऑडियंस रिटेंशन। मान लीजिए आपकी 5 मिनट की वीडियो है, लोग उसे सिर्फ 30-40 सेकंड तक देखकर छोड़ देते हैं, तो गाइस आपका ऑडियंस रिटेंशन गिर जाता है। इससे आपका जो यूट्यूब
है वो नए लोगों तक आपका इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं पहुंचाता है। तो आपको ये चीज़ की गलती नहीं करनी है, आपको इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंचा मतलब डालनी है, जैसे कि आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो। ओके, तो आपको ऐसे ही टाइप का कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, तो यार यहाँ पर जो थर्ड फैक्टर है वो आता है CTR का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए कि आपने कोई थंबनेल बनाया है, उसमें मतलब नए लोगों तक यूट्यूब ने पहुँचाया है अभी, बट अगर थंबनेल इतना अच्छा नहीं है, कोई भी क्लिक नहीं कर रहा है, तो आपका CTR गिरता जाएगा। CTR पर डिपेंड करता है इंप्रेशन, CTR गिरता जाएगा, इंप्रेशन भी साथ ही साथ में गिरता जाएगा और नए लोगों तक इंप्रेशन नहीं पहुँचेगा। तो ये गलती भाई बिल्कुल भी मत करना, थंबनेल अच्छे से अच्छा बनाना। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हो कि भाई आपका थंबनेल बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो गाइस आप लोगों से काफ़ी लोगों ने बोल दिया कि यार थंबनेल का ट्यूटोरियल लेके आओ, तो मुझे बस ज़रूर से कमेंट करके बताना कि मैं आपके लिए न्यू ईयर स्पेशल थंबनेल का ट्यूटोरियल ले आऊँगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ट्यूटोरियल चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो यार फटाफट से मूव करते हैं थर्ड प्रो टिप की तरफ। यार थर्ड प्रो टिप के लिए आप यहाँ तक रुके हुए हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि यार यहाँ तक आपका रुकना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगा, एकदम वर्थ इट जाने वाला है। और मैं इतना आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों टिप्स जो अभी मैंने आपको बताई है वो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यार ये वाली जो वीडियो मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यार प्लीज़ बहुत ज़्यादा मुझे सच में मैं थक गया, आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे होगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिल जाएगा। प्लीज़ गाइस एक लाइक करके जाना। तो गाइस अब देखो यहाँ पे मैं आपको थर्ड प्रो टिप बता देता हूँ। तो देखो गाइस मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा अभी, तो वेट करो, अभी अच्छे से सुनते रहो, अभी देखते रहो। तो देखो गाइस होता है ऐसा है कि आपको पता है कि मैं टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, एंड गाइस मेरी कैटेगरी क्या होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड गाइस मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ज़्यादातर उसमें हर वीडियो में यूट्यूब कीवर्ड रहता है। तो गाइस अब मैं इसी टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। तो गाइस अब मैंने देखा, जब आप लोग देख सकते हो कि यार हाँ मैं मानता हूँ कि करीब 2-3 वीक्स पहले एक बहुत ही तगड़ा वाला मतलब बूस्ट आया था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा तो नहीं बट हाँ काफ़ी अच्छा खासा मेरे चैनल पे बूस्ट आया था। 700 से 1000 व्यूज़ हर वीडियो पे आने लगे थे एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश भी था। बट मैं इनकंसिस्टेंट रहने की वजह से गाइस मेरे जो व्यूज़ हैं वो डाउन हो रहे हैं इस समय, बट मैं जल्दी इसको सही कर लूँगा। एंड आप लोग के सपोर्ट के लिए भी ज़रूरत है मुझे, तो यार सपोर्ट करते रहना। तो गाइस देखो ऐसा ही होता है। तो गाइस देखो मैंने अभी यूट्यूब के ऊपर कीवर्ड्स भी बना रहा हूँ। तो गाइस अब मैं आप लोग मेरे चैनल पर देखोगे कि एक हफ्ते पहले का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है एंड मेरी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं जो 1K भी टच करी हो। तो गाइस मैं दिमाग लगाया कि भाई क्या करूँ। तो गाइस मैंने सोचा कि भाई अब देखो थोड़ा सा कैटेगरी चेंज करके देखते हैं क्या। तो यार मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से गेमिंग कैटेगरी के ऊपर एक वीडियो बना दी, फ्री फायर से पैसे कैसे कमाएं। अब उस पर 2000 व्यूज़ आने लगे हैं। अब 2000 व्यूज़ आते हैं यार रैंकिंग की वजह से और थंबनेल की वजह से। रैंकिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, एंड स्क्रीन आई कार्ड के अंदर मिल जाएगी, ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि यार यहाँ तक आपको जो भी मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो यार एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हो। और बहुत ज़्यादा थैंक यू आपने यहाँ तक वीडियो देखी, एंड एक बार फिर से मैरी क्रिसमस आप सभी लोगों को और यार एक हैप्पी न्यू ईयर भी। तो यार आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूं किसी ने सैटरडे वीडियो से। आप वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा। तो गाइस मैं मिलता हूं किसी ने सैटरडे वीडियो से, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।